हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि टीचर सांगजी को अपने ऑफिस बुलाता है और अगले दिन काफ़ी देर वेट करने के बाद भी जब जायसू नहीं आता है तो वो उसे भी अपने भाई जैसा ही झूठा समझती है। लेकिन तभी जायसू उसके पास आता है और देर से आने के लिए सॉरी कहता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ वो सोचती है उस दिन तो वो आया था, लेकिन क्या वो आज भी आएगा। और उसी टाइम जायसू उसे कॉल करके पूछता है कि क्या तुम सोकर उठ गई हो। तो वह कहती है अगर तुम थोड़ा भी और लेट हुए ना तो तुम्हें कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। और तभी पीछे से जायसू कहता है मैं तो कब का पहुंच चुका हूँ, तुम्हारे लिए ये मिल्क खरीदने गया था। वैसे अगर मुझे गर्लफ्रेंड ना मिले तो इसका जिम्मेदार मैं तुम्हें मानूंगा। फिर वो उसे उसका नोटबुक देता है। तो सांगजी सोचती है कहीं इसने मेरा नोटबुक पढ़ा तो नहीं है। फिर वो उसे ब्रेकफास्ट का ऑफर करता है पर वह कहती है कि उसने ब्रेकफास्ट कर लिया है। यहाँ वो उसके तरफ देखती है और सीन वापस से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ वो उसका भाई बनकर उसके क्लास टीचर से मिलने जाता है। सांगजी उसे पहले ही वार्न करती है कि अपने से कुछ मत बोलना, बस टीचर की बातों में ताल से ताल मिलाना, बाकी मैं संभाल लूंगी वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे। और इसके बाद जायसू उसका फैमिली मेंबर बनकर उसके टीचर से मिलता है जहाँ सांगजी का टीचर बताता है कि उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है, इवन वो क्लास में भी टॉप करती है। पर वो मैथ्स के क्लास में कभी ध्यान नहीं देती है और ड्राइंग करती है। इस पर जायसू भी एज अ बिग ब्रदर की तरह ट्रीट करता है ताकि उसके टीचर को डाउट ना हो। और वो टीचर से ये भी कहता है कि आप इसी तरह सांगजी को गाइड करते रहिएगा और अगर वो गलती करे तो उसे डांटिएगा भी ताकि वो एक अच्छी स्टूडेंट बनी रहे। फिर वो सांगजी को टीचर से सॉरी कहने बोलता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और यहाँ जायसू उसके लिए भी एक केक ले लेता है। जायसू देखता है कि उसने अभी तक मिल्क नहीं पिया है इसलिए वो लेने खोजता है, पर सांगजी जल्दी से मिल्क बॉटल अपने बैग में डाल लेती है ये कहते हुए कि मैं बाद में पीऊंगी। फिर वो जायसू से पूछने लगती है कि तुम्हारा घर कहाँ है, कौन सा सिटी है। तब वो कहता है कि इतना क्वेश्चन क्यों कर रही हो, अपना होमवर्क करो। अगले दिन वो स्कूल इंटर करती है। तब जायसू उसे एक इनवेलप देते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे नोटबुक का एसे पढ़ा है तो मैं कंपनसेशन के लिए एक नया एसे लिख दिया हूँ। हालांकि उस एसे में सांगजी ने अपने भाई के साथ लड़ते झगड़ते रिलेशन को लिखा था। और जायसू ने क्या लिखा ये देखने के लिए वो लेटर निकालती है, पर तभी उसकी दोस्त जेनरू उसके पास आकर पूछने लगती है कि ये क्या है, लेकिन सांगजी बात घुमा देती है। तभी हम एक और स्टूडेंट को उनके सामने आता देखते हैं जिसका नाम फुजैन होता है। वो बचपन से लेकर आज तक सांगजी को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। वो डांस करके सांगजी को इम्प्रेस करने का ट्राई करता है पर सांगजी तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती है। नेक्स्ट दिन उसके दोस्त वो मिल्क बॉटल देकर कहती है तुम्हें तो मिल्क से एलर्जी है ना, फिर तुमने इसे क्यों खरीदा। तब तक से टीचर आ जाते हैं। अगले दिन वो घर आकर काफी एक्साइटमेंट के साथ जायसू का लिखा एसे पढ़ती है और काफी खुश होती है। वो उस लेटर को संभाल के रखती है। फिर उसकी मम्मी कुछ फ्रूट्स लेकर उसके रूम आती है जहाँ वो मिल्क बोतल उसके टेबल पर देखकर कहती है ये यहाँ क्या कर रहा, मैं इसे फेंक देती हूँ वरना तुम इसे पी जाओगी। लेकिन सांगजी कहती है मैं नहीं पीऊंगी, बस इस बोतल का ड्राइंग करना है मुझे। तभी उसके फादर भी वहाँ पहुँचते हैं। उसकी मम्मी कहती है इस वीकेंड वो और उसके फादर एक मैरिज फंक्शन में जाने वाले हैं इसलिए वे सांगजी को भी साथ चलने कहते हैं, पर सांगजी मना कर देती है। तब उसकी मम्मी कहती है ठीक है फिर मैं यान को घर आने बोलूंगी, वो तुम्हारे साथ रहेगा। नेक्स्ट दिन उसका भाई आकर उसे पूरे घर में ढूंढता है लेकिन उसे कहीं खोज नहीं पाता है। तब वो कॉल करता है जहाँ वो देखता है कि सांगजी एक टेबल के नीचे लेटकर बुक पढ़ रही होती है। वो कहता है तुम कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही थी, मम्मी ने कहा है कि लंच के लिए तुम्हें साथ ले जाऊं। पर वो कहती है मुझे नहीं जाना। तो वो कहता है अच्छा तो बता दो कि क्या खाना है। तब वो नौटंकी करती है कि तुम गैस करो। यान कहता है जब मैं तुम्हारे एज का था तो एटलीस्ट अपना खाना खुद बनाकर खाता था, इवन तुम्हें भी खिलाता था। तब वो कहती है हाँ तुम्हारा मजबूरी था क्योंकि तुम्हारा कोई बड़ा भाई नहीं था ना। तभी यान को उसके दोस्त का कॉल आता है जहाँ वे साथ लंच करने का बातें करते हैं और अब सांगजी को भी जाने का मन करता है, पर क्योंकि वो तो पहले ही मना कर चुकी थी इसलिए यान चला जाता है। पर वो सॉरी कहती है तो यान मान जाता है और उसे रेडी होने के लिए 2 मिनट का टाइम देता है। ये सुनकर वो उसे घूरने लगती है। तब वो उसे आधे घंटे का टाइम देता है। इसके बाद हम सांगजी को कार में देखते हैं जहाँ वो बहुत ही अपसेट थी क्योंकि उसने उम्मीद किया था कि लंच करने जायसू उनके साथ जाएगा, पर वो तो मोटू निकल गया। इसके बाद यान एक जगह कार रोकता है जहाँ जायसू उनका वेट करते करते सो रहा था। सांगजी जैसे ही उसे देखती है तो काफी खुश हो जाती है। जायसू अंदर घुसकर मोटू के गोद में सो जाता है। सांगजी सोचती है ये कितना हार्ड वर्क करता है। तब जायसू सांगजी से कहता है तुमने मुझे हेलो भी नहीं कहा, कहीं मैं हैंडसम हूँ इस वजह से तुम शर्मा तो नहीं रही हो। यान कहता है कितना सेमलेस हो तुम, भाई के सामने ही उसकी बहन से फ्लर्ट करने में शर्म नहीं आ रहा। तब मोटू सांगजी से कहता है इसके बातों को माइंड मत करना, ये हर किसी को ऐसे ही कहता है।
अच्छा इंसान नहीं है ये। तो सांगजी भी कहती है हाँ ये अच्छा इंसान नहीं है। ये सुनकर जायसू को थोड़ा बुरा लगता है। इसके बाद जब वे पहुँचते हैं तो सांगजी कार से उतरने नहीं खोजती है, लेकिन उसका भाई उन दोनों से कहता है कि ले जाओ इसे अपने साथ, मैं कार पार्क करके आता हूँ। तब जायसू नोटिस करता है कि सांगजी का तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा। वह उससे पूछता है तो वह कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। तब जायसू समझ जाता है कि उसका पीरियड स्टार्ट हो गया है और फिर वह देख लेता है कि उसका स्कर्ट गंदा भी हो गया है, इसलिए वह बिना कुछ बोले उसके पीछे पीछे वॉशरूम तक जाता है। फिर कहता है क्या तुम्हारे पास सैनिटरी पैड है? तो वह कहती है नहीं। तब जायसू कहता है ठीक है तुम अंदर वेट करो मैं खरीद कर लाता हूँ। इसके बाद वह शॉप पर जाता है और यान को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारी सिस्टर का तबीयत खराब हो गया है। ये सुनकर यान भी समझ जाता है और जायसू से कहता है कि अब मैं क्या करूं, एक काम करो तुम ही उसे खरीद के दे दो। तब जायसू कहता है वो तुम्हारी सिस्टर है या मेरी सिस्टर है, मैं शॉप के बाहर हूँ जल्दी से आ जाओ। इसके बाद हम देखते हैं वे दोनों मिलकर सैनिटरी पैड खरीदते हैं और ये सिचुएशन उनके लिए काफी ऑकवर्ड होता है। इसके बाद जायसू यान से कहता है आई थिंक हमें उसके लिए एक स्कर्ट भी ले लेना चाहिए। तब यान कहता है क्या उसका स्कर्ट भी गंदा हो गया है? तो वो हाँ कहता है। इसके बाद दोनों एक लड़की के थ्रू सांगजी को सारा सामान दे देते हैं। फिर जायसू यान से कहता है कि तुम्हें यहीं रुककर उसका वेट करना चाहिए। और इधर सांगजी को काफी एम्बेरस फील होता है कि अब वो जायसू से कैसे फेस करेगी। वो जाने नहीं खोजती है तब उसका भाई उसे पकड़ कर ले जाता है ये कहते हुए कि इसमें एम्बेरस होने वाला कोई बात नहीं है। यहाँ यान उसे पीने के लिए गर्म पानी देता है। वही मोटू कहता है कि तुम्हें जो खाना है वो ऑर्डर करो, मेरे तरफ से ट्रीट है। तो वो कुछ कुछ मेनू सेलेक्ट करती है पर यान कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बीफ एंड मटन से एलर्जी है। तब मोटो यान को शांत कराकर कहता है कि तुम्हें जो ऑर्डर करना है करो। अगले सीन जायसू उसका प्लेट लेता है और उसके खाने में से बीफ बाहर निकालता है और सांगजी उसे देखते रहती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।